नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसिडिटी। जी दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने एसिडिटी की समस्या से कैसे छुटकारा पा सकते हैं घरेलू उपाय करके। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही दबा दीजिएगा बेल आइकन को, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, जानेंगे इस वीडियो में कि हम अपने एसिडिटी की समस्या से कैसे छुटकारा पा सकते हैं घरेलू उपाय करके। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसका परिचय कि आखिर यह एसिडिटी होती क्या है और कैसे होती है। जब अमाशय में अम्ल रस की अधिकता होने लगती है, तब हमें एसिडिटी की समस्या उत्पन्न होती है। अम्ल पित्त एक पित्त जन्य विकार है, जिसके कारण हमें एसिडिटी की समस्या उत्पन्न होती है। नमक, खट्टे तथा ज्यादा मसालेदार चीजों का सेवन करने से हमारा पित्त प्रकोपित हो उठता है और साथ ही अम्ल रस की बढ़ोतरी होने लगती है हमारे शरीर के अंदर। इसे हाइपर एसिडिटी या हार्ट बर्न की समस्या भी कहा जा सकता है। सामान्य अवस्था में पाकस्थली के अंदर मौजूद छोटी छोटी ग्रंथियों से निकलने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को पचाने में सक्षम होता है। लेकिन दोस्तों, यही अम्ल जो है, अगर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो छाती की हड्डी के पीछे भोजन की नलियों में छाती के बीचों बीच जलन पैदा होने लगती है। एसिड बनने के कुछ मुख्य कारण है मानसिक चिंता और हर काम में जल्दबाजी करना, खाने में अधिक मिर्च मसालेदार चीजों का एवं गर्म चीजों का सेवन करना, तला हुआ एवं ज्यादा मिर्च मसालेदार खानों का सेवन करके रात को बिना टहले हुए सो जाना, या फिर भोजन समय पर न करना, अधिक शराब एवं धूम्रपान के सेवन से, ज्यादा तंबाकू व चूने एवं कत्थे का पान सेवन करना इत्यादि कुछ मुख्य कारण होते हैं। अगर एसिडिटी के कुछ लक्षण की बात करें, छाती के बीचों बीच जलन होती है, यानी कि सीना जलने लगता है, आंखों में जलन महसूस होती है और सर में जो है हमेशा भारीपन रहता है, हथेली एवं पैरों के तलवे में जलन महसूस होना, पेशाब का रंग कभी लाल तो कभी पीले रंग का होता है, इस प्रकार पित्त पूरे शरीर में जलन एवं बेचैनी पैदा करता है। दोस्तों, एसिडिटी की प्रारंभिक स्थिति में यानी कि शुरुआती दौर में जलन के लक्षण कम दिखाई देते हैं और जब यही रोग एसिडिटी का ज्यादा गंभीर होता है तो पूरे शरीर में जलन बहुत ज्यादा महसूस होता है और रोगी को हमेशा लगता है कि उसे बुखार की समस्या है, लेकिन ये बुखार की समस्या जो है दवा लेने के बाद भी ठीक नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों वो शरीर की गर्मी होती है, ना कि बुखार। तो आइए जानते हैं इसका घरेलू उपाय, जिसे करके हम अपनी एसिडिटी की समस्या को शुरुआती दौर में ही दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, ताकि आपको पूरा जो है समझ में आ सके। दोस्तों, भोजन करने के बाद सुबह और शाम दोनों समय एक एक लौंग जो है मुंह में रखकर उसे काफी देर तक चूसना चाहिए। धीरे धीरे ऐसा करने से एसिडिटी की समस्या जो है वो ठीक हो जाती है। दोस्तों, लौंग जो है पाचन क्रिया के अंदर बहुत ही अच्छा प्रभाव डालता है। इससे भूख भी बढ़ती है और अमाशय की रस क्रिया को ताकत मिलता है, खाना खाने की रुचि पैदा होती है और मन में प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है। दोस्तों, लौंग जो है पेट के कीड़ों को नाश करने के लिए भी बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। जिन लोगों को एसिडिटी की समस्या है, उन लोगों को चाय जो है धीरे धीरे छोड़ देना चाहिए, यानी कि चाय पीना जो है धीरे धीरे बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों चाय पीने से एसिडिटी की समस्या बढ़ती है। लौंग को चूसने से बलगम की समस्या खत्म होती है, श्वास नली की शिकायत जो है वो भी खत्म होती है तथा खून के अंदर श्वेत कणों की बढ़ोतरी भी होती है और लौंग को चूसने से कफ, पित्त और वात रोग का नाश भी होता है। दोस्तों, इस रोग को हटाने के लिए कुछ चीजों का परहेज करना जरूरी है, जैसे कि गर्म चीजें, खट्टी चीजें, मांस, मदिरा, ज्यादा तेल मसालेदार चीजें, उड़द और ऐसी सभी चीजें जो कि एसिडिटी को बढ़ावा देती है, उन चीजों का परहेज करना चाहिए। और साथ में सेवन करने के लिए कुछ लाभकारी चीजें हैं, जिससे आपकी एसिडिटी की समस्या काफी हद तक कम होगी, जैसे कि गाय का दूध, अनार का रस, मौसमी, अंगूर, सौंफ, मुनक्का, आंवला, अंजीर, पुराने चावल की खीर, सभी रस युक्त पदार्थ, पेठा, सत्तू इत्यादि चीजों को अपने खाने के रूटीन में इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, ये चीजें करने से आपकी एसिडिटी की समस्या जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो
तो दोस्तों ये थी एसिडिटी के लिए पूरी जानकारी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।